खबर बैरिया से है, जहां ढाबा के सिद्ध संत सुधिष्ठ बाबा की समाधि स्थल पर अघन पंचमी में लगने वाला धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व का धनुष यज्ञ मेला सोमवार को शुरू हो गया। मेला अध्यक्ष रोशन गुप्त व कोटवा की ग्राम प्रधान वंदना गुप्ता ने विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद संत मौनी बाबा ने मेला के चौक में धर्म ध्वज फहराकर मेला का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर संत मौनी बाबा ने कहा कि सुधिष्ठ बाबा महान संत के साथ ही भविष्य दृष्टा थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें आज भी हम याद करते हैं और सदियों तक उन्हें याद किया जाता रहेगा। उद्घाटन अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू, पंचायत के सचिव जगनारायण यादव, बच्चालाल गुप्त, मनोज गुप्त, सुरेंद्र गुप्त, सुनील गुप्त, प्रेम मिश्र, रजनीत गुप्त, विवेक पाल, अर्जुन चौधरी, राहुल प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें, मेले में आपसी सौहार्द का नज़ारा भी देखने को मिला, जहां सुधिष्ठ बाबा के धनुष यज्ञ मेला में सामाजिक सौहार्द संभाव का नज़ारा दिखा। यहां न कोई छोटा और न ही कोई बड़ा नज़र आया। आसपास जिले के कोने कोने से लोग आए थे। हर जाति वर्ग के लोग यहां, सभी यात्री श्रद्धालु पहुंचे थे। समाधि स्थल पर सभी ने एक रात बिताई, एक सिरहाने भी सोए थे। खासकर महिलाएं आपस में जल्दी घुलती मिलती हैं। वे एक दूसरे के विषय में जान रही थी। एक साथ नहाना, खाना, फिर खरीदारी करना। जाने के समय में वे आपस में गले भी मिल रही थी। मेला परिसर में अनेकता में एकता का दृश्य यहां पर देखने को मिला। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।